कोरोना को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक अभियान की शुरुआत की है, कोविड न्याय अभियान। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना से जिन परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है उस परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। वैसे केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन कानून में यह प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि वह यह मुआवजा नहीं दे सकते। पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से कोरोना संक्रमण के दौरान दोनों चरणों में केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा। गलतियां पर गलतियां की गई और जिम्मेदारियां राज्य सरकार को थोप दी गई। असमय और अचानक लॉकडाउन किया गया, दवाओं और वेंटिलेटर की कमी से लोग जूझते रहे, ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर भटकते रहे। हमें संतोष है कि हमने छत्तीसगढ़ में न दवाई के लिए, न ऑक्सीजन के लिए, न वेंटिलेटर के लिए लोगों को भटकने दिया। लेकिन यह सवाल महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार मुआवजा क्यों नहीं देगी। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उसका दायित्व है। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार तत्काल पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा दे। मैं आम नागरिकों से अपील करता हूं कि इस अभियान का हिस्सा बने और हम मिलकर लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। जय हिंद।